एक गर्भवती महिला 4 घंटे तक तड़पती रहती है। उसके परिवार के लोग अस्पताल में लगे स्टाफ के पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं कि साहब चलिए डिलीवरी करवा दीजिए, लेकिन स्टाफ के लोग बियर पीने में और मुर्गा पार्टी करने में व्यस्त होते हैं। जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तब एक कंपाउंडर आता है और उस चिल्लाती रोती बिलखती उस गर्भवती महिला को डिलीवरी तो करवा देता है, लेकिन जो इंजेक्शन जो ट्रीटमेंट करना होता है वो उसको नहीं करता है और थोड़ी देर बाद वो गर्भवती महिला दम तोड़ देती है। नवजात शिशु सहित 6 बच्चों की मां इस लापरवाही के कारण दम तोड़ देती हैं कि हॉस्पिटल के स्टाफ अपनी पार्टी करने में मस्त होते हैं। यह मामला राजस्थान के करौली जिले के करणपुर का बताया जा रहा है। 2 दिन पहले की यह घटना है और ऐसा बताया जा रहा है कि शाम के करीब 8-9 बजे एक महिला अपने परिवार के लोगों के साथ, अपनी जेठानी और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ अस्पताल में पहुंच जाती है और अस्पताल में पहुंचने पर उसके परिवार के लोग जब अस्पताल स्टाफ के पास जाते हैं कि साहब चलिए डिलीवरी करवा दीजिए, जो प्रसूता है वो तड़प रही है, लेकिन स्टाफ ऐसा कहते हैं कि हम लोग व्यस्त हैं और व्यस्त तो अस्पताल की छत पर पार्टी करने में होते हैं। हालांकि अपनी लापरवाही छुपाने के लिए वो बाद में रोगी रजिस्टर में उस महिला का नाम भी अंकित कर देते हैं और जब पूरा मामला संज्ञान में आता है तो अधिकारी अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि एक महिला की जान किसकी लापरवाही के कारण गई है। महिला के परिवार के लोगों ने बताया कि हम 4 घंटे तक उनके आगे हाथ जोड़ते रहे कि साहब डिलीवरी करवा दीजिए, महिला की जान चली जाएगी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमारा एक कंपाउंडर चल लेगा और डिलीवरी करवा देंगे, आप यहाँ पर हमें परेशान मत कीजिए। और वो लोग अस्पताल की छत पर शराब पार्टी कर रहे थे, उनके परिवार के लोगों ने ऐसा बताया कि एक तरफ उनके लिए खाना बन रहा था और दूसरी तरफ वो लोग शराब पीने में मस्त थे और इस दरमियान हम लोग उनके आगे गिड़गिड़ाते रहे। हालांकि जब जोर से वो महिला बार बार चिल्ला रही थी तब एक कंपाउंडर आता है और उसकी डिलीवरी करवा देता है और उनके परिवार के लोग बताते हैं कि डिलीवरी के बाद महिला का ब्लड नहीं आया और जो इंजेक्शन लगवाना होता है वो किसी ने लगवाया नहीं, इसलिए उस महिला की मौत हो गई। हालांकि नवजात जो बच्चा है वो बच गया और ऐसा बताया जा रहा है कि उस नवजात सहित उस महिला के 6 बच्चे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और ये घटना राजस्थान के करौली के करणपुर की बताई जा रही है। और आप सोशल मीडिया पे 2 दिन से जब से घटना हुई है उसके बाद से हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि अपनी पार्टी में लोग ऐसे कैसे व्यस्त रहते हैं कि एक महिला की जान चली गई, एक 6 बच्चों की माँ थी, उसकी महज एक लापरवाही के कारण जान चली गई।